to the world. Happy New Year! Happy New Year, Arslan! Happy New Year, Chandu! नहीं, ऐसे खाली विश से काम नहीं चलेगा. 2021 आ गया है. हाँ तो? इसलिए 2100 तो शगुन मेरा बनता ही है. फिर ऐसे तो मैंने माना नहीं है. चंदू, न्यू ईयर पे शगुन कौन मांगता है? अच्छा, तुम जूते चुराकर अपनी ऐसी शक्ल दिखाकर शगुन ले सकती हो, तो मैं क्या न्यू ईयर का शगुन नहीं ले सकता हूँ? हम यहाँ शगुन मांगने नहीं आए हैं, न्यू ईयर की पार्टी रखी है जिसकी होस्ट मैं हूँ और डीजे तुम. अच्छा, मतलब आप तुम कहोगे डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, तो मैं क्या कहूंगा? मैं बजा लूंगा. मैं कौन के नीचे ना मैं बजा दूं? चलो पार्टी शुरू करते हैं चंदू, गेस्ट आते होंगे. अच्छा चलो ठीक, चलो शुरू करो. ओके ओके. कैसी जीप बने हो तुम, पुलिस से पहले ही पहुंच गई है. चलो एम्बुलेंस की आवाज निकालो. ओए तेरी एम्बुलेंस जीप के नीचे आ गई है. एक तो कोई थिएटर कोटे से पुलिस में भर्ती हो जाता ना, फिर ये सब बड़ी प्रॉब्लम आती है. चलो बंद पड़ी हुई जीप की आवाज निकालो और निकलो यहाँ से. ए इधर बंद जीप की आवाज निकालो, फिर तभी जा सकते हो. बंद जीप की आवाज कैसे निकल सकती है? ऐसे आवाज तो आई नहीं. तो जीप बंद है, मर तेरे, निकल यहाँ से. दो लाइनों के लिए आधा घंटा दाढ़ी सेट करने में लगा के आया ये बंदा. लीजिए यार, शमशेर जी आए हैं, वेलकम ब्रो. बारी पर सी कट गया, सी कट के ले आता बे. बारी पर सी कट गया, कट के ले आता बे. आज दिल खुश आता, कराए शमशेर. दिल खुश आता, कराए शमशेर. शाम शाम, शेर शेर. शाम शाम, शेर शेर. लगे हाथ मेरी गोद भराई भी कर दो. शम शम शेर शेर शम. मैं तो गीता माँ हूँ जो मेरे सामने नाच के मुझे खुश कर रहे हो. छापा पड़ा है तुम्हारी पार्टी पे. तुम लोगों को पता नहीं है 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? तो जनाब 50 लोग हैं कहाँ पे? 4-5 लोगों ने मिलकर पार्टी रखी है. हाँ तो पहले पार्टी में 40-50 लोग इकट्ठे करो, उसके बाद में पार्टी करो. अरे नहीं नहीं, अभी 4-5 लोग हैं, 100-150 आएंगे. यही मुझे बुलवाना था, पड़ गया छापा. सारे के सारे जेल के अंदर चलो. तुम तो आओगे नहीं, तुम तो चलो. नहीं 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 जनाब, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी. हम 2021 का वेलकम कर रहे हैं. Yes. और 2020 सेलिब्रेट कर रहे हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, 2020 सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो 2020 में ऐसी कौन सी करतूत की आपने जो आप सेलिब्रेट कर रही हैं? आप 2020 भी छोड़ो, आपने पिछले 20 साल में कौन सा ऐसा काम किया? चंद मिनटों के लिए आके सोनी की सांस रोकने वाली औरत, हाउ डेयर यू टू सेलिब्रेट योर 2020? क्या करूं, हुस्न ही ऐसा है, सांसें छोड़िए, बड़ों बड़ों की धड़कनें रोकते हैं. ये चीज ना ये भूरी से सीखनी होगी. क्या? कोई कुछ भी कह ले, ये अपने ऊपर लेती ही नहीं. थैंक यू जीजू, थैंक यू. शट अप. थैंक यू, हमने लिया ही नहीं. अरे सर थोड़ा पार्टी वार्टी करने दीजिए, थोड़ा एंजॉय करने दीजिए ना. तू एंजॉय ना कर, तू जॉगिंग किया कर. तुझे पता तू कल इधर पड़ा था, तेरा पेट हमारे घर में पड़ा हुआ था. सही कह रहे हो, सही कह रहे हो भैया. ये करते ही नहीं जॉगिंग. उस दिन अर्चना मैम हम चिड़ियाघर गए, इनके साथ के सारे साथी पानी में नहा रहे थे, ये बाहर खड़े होकर उनको देख रहे थे. अरे तितली, वो दरियाई घोड़े थे. तेरे भी दांत ही बाहर नहीं है, कुल तो तुम्हारा सेम ही है. ठीक है सर, वो हमारे कुल के हैं, हम उनके कुल के हैं. अब कुल कर आपसे एक बात कहते हैं, हमें एक न्यू ईयर पार्टी जरा कुल के मनाने दीजिए, वरना कुछ दिनों में बच्चों के स्कूल कुल जाएंगे, उसके बाद ये पार्टी मनाना अनुकूल नहीं रहेगा. हमारी दरख्वास्त स्वीकार कीजिए प्लीज. ये स्वीकार को भी कुलकार ही कर देते तुम. एक ही
एक ही शब्द को लेके दो घंटे घूमने वाले कितने बड़े आदमी। थैंक यू, हमने लिया ही नहीं। बच्चा तुम लो ना लो, लेकिन जो काम मैंने डीजे का लिया है मेरे को वो बजाने दो। हाँ। यार पार्टी में मेरे फैंस भी आने वाले हैं। ओए फैंस और तेरे, चल बे। 2021 आया नहीं, इसका झूठ पहले आ गया। कौन सा झूठ? और सोशल मीडिया चेक करो जाकर, लड़कियां पता क्या कहती मुझे, कहती कॉमेडी वॉमेडी चलो ठीक है चलती रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा क्यूट हमें तुम लगते हो। अच्छा जी। हाँ। अगर तुम सबसे ज्यादा क्यूट हो तो फिर मेरा बच्चा जॉन इब्राहिम है। हमको जॉन अब्राहम क्यों कहा? हमको तो माधुरी दीक्षित बनना है। इश्श। इश्श। बच्चा ये खाली इश्श क्यों कर रहे हो? मैं पूरा गाना बजाता हूँ, पूरा धक धक करो। ओए वो तो कल तक तो ठीक था, तुझे पीलिया कैसे हो गया आज? सुन मेरी बात, मेरे से एक चोर नहीं पकड़ा जा रहा। हाँ। तू उसकी जगह 2 दिन जेल में रह के आएगा। मैं चोर की जगह पे क्यों जाऊंगा? अरे तुम यहाँ भी तो कॉमेडियन की जगह आते ही हो। ये बात तो कम से कम तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। एक बार बताओ, इतने तैयार होके किधर घूम रही हो तुम? अरे मतलब मुझे तैयार होना अच्छा लगता है। उनसे पूछो जो तुम्हें तैयार हुई को देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। कैसे करती हो ये सब? सुबह सुबह उठ के आधा किलो पाउडर थप लेती हो मुंह पे। कैसे मतलब? मेरे पास मेकअप और हेयर ड्रेसर है। तुम्हारी मेकअप और हेयर ड्रेसर आपस में पता क्या बातें कर रहे थे? क्या? कि ना तुम मेरे बारे में बताना मैं किसको तैयार करती हूँ, और ना मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगी तुम किसको तैयार करती हो। शमशेर जी, जरा पार्टी मनाने दीजिए ना, हमने मेहमानों को भी बुला लिया है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे मेहमानों की टांगे तोड़ूंगा, उसके बाद तुम्हारी कोशिश करूंगा, अगर टूट गई तो। लगता नहीं मेरे को। हाय हाय, 2021 की पार्टी यही हो रही है क्या? यही हो रही है जी, बिल्कुल यही हो रही है। आप तो टांगे तोड़ने वाले थे। मैंने टांगे देखी नहीं थी ना पहले। यही हो रही है पार्टी। मैडम कैसा लगा मेरा अरेंजमेंट? कैसा लगा मेरा अरेंजमेंट? अभी कोई महापुरुष कह रहे थे कि यहाँ पर पार्टी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे नहीं हो सकती? यहाँ पे तो हो सकती है। यहाँ पे पार्टी चलती रहेगी और 11 बजे फिर भी पार्टी बंद होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ भी हैं। क्या कर रहे हैं? मैं मजे कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता नया साल है, सबको ऐसे गले मिलो, खुशियां बांटो। ये बात सही है, नया साल है, गले तो मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, खुद को कुदरत से गला नहीं मिला है, दूसरों को गले मिलाने लगे आए बड़े। हम तो बस मेहमान आए, इसलिए थोड़ी सी बातचीत। वैसे आपको अगर कुछ भी चाहिए ना, लाइक आलू पकौड़ा, गोभी पकौड़ा, प्याज पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, लेट मी नो। ओए बैंगन के पकौड़े। वो लड़की इतनी डाइटिंग कर करके इतनी हॉट बन रही है, तुझे तला हुआ खिला रहा है, तलुए कहिए। एक मिनट यार, ये तुम जैसी हॉट लड़कियां इतनी डाइटिंग क्यों करती हो? मुझे देखो अर्चना जी। हाँ? मैं सब खाती हूँ, क्या मैं किसी से कम लगती हूँ? बिल्कुल। बोलो बच्चा। तितली तुम्हारी तो बात ही अलग है। थैंक यू। किसी अलग चैनल पे करेंगे। अगर आप लोगों का हो गया होगा तो प्लीज हम पार्टी कर सकते हैं। मैं आप लोगों की बकवास सुनने नहीं आई हूँ, मैं पार्टी करने आई हूँ। तो आओ करते हैं, इधर सारी जगह खाली है, इधर पार्टी करते हैं हम। लेकिन आप तो पुलिस वाले। अच्छा आप कुछ भी नहीं हो फिर भी पार्टी कर सकते हो? मैं कुछ तो हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। पुलिस वालों की खुशी इनसे देखी नहीं जाती। कल को हमें कहेंगे आप हनीमून भी नहीं मना सकते। हम हनीमून नहीं मनाएंगे, हमारे छोटे छोटे हवलदार कैसे आएंगे? ये मेरा खुलता नहीं है, नहीं तो मैं गोली मार देता। मैं कहां की बात को कहां ले आ गए? कहां के आर्टिस्ट को हम कहां ले आए? ये इसकी कोई एप्रिसिएशन नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे यहां पर इनविटेशन पर बुलाया गया। अच्छा। और कहा था कि यहां पर आने के बाद एक वेलकम ड्रिंक मिलेगा, कहां है वो वेलकम ड्रिंक? मैडम वो ऐसे था कि आप बाहर से ड्रिंक करके आएंगे, हम आपका वेलकम करेंगे, ये था वेलकम ड्रिंक। हां जी, स्मार्ट आंसर। मैंने दिया था इसको, आप जब आई थी 2 मिनट पहले मैंने ये बात इसको दी थी। मैं क्या, मैं अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बांटता रहता हूं, नहीं तो मेरा ओवरफ्लो हो जाता है। काफी अच्छा करते हैं। वैसे आप हो कौन? माय सेल्फ इज डीजे चंदू। टिंग टिंग चक टिंग टिंग। नहीं 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 नहीं, आई एम द डीजे, ही इज जस्ट पीजे। आप तो पुलिस वाले। मैं डीजे कोटे में भर्ती हूँ, माय सेल्फ डीजे पी शमशेर सिंह। मैडम आप खड़ी खड़ी थक गई होंगी, आइए बैठिए।
दो दो छोटे छोटे लिटिल लिटिल मारते हैं उधर बार साइड जाके। मैं ड्रिंक नहीं करती। हैं? ड्रिंक नहीं करती तो मैं जो इधर बियर की बोतलें बेच रहा हूँ वो कौन खरीदेगा फिर? Excuse me, शमशेर जी, आप हमारी पार्टी में बियर की बोतलें नहीं बेच सकते। मुझे बेचने दो, जब खाली हो जाएंगी खाली बोतलें तुम बेच देना। तुम्हारे साथ है ना ये रद्दी वाला? हम रद्दी वाले ही सही साहब। आए हाय, लोगों का कबाड़ उठाते हैं। आए हाय, और उनको पैसे भी देते हैं। वाह, वरना यहाँ तो लोग गम ही गम बांटते हैं। वाह 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 चंदू। ओ चंदू जी। ए ए ए। अच्छा ऐसी लाइनें बोलनी होती हैं? और वो रद्दी वाला गली गली में आवाज लगाता है, रद्दी बेच, बोतल बेच। हगनी आई। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आप डायरेक्ट शूट पे आई हैं? पहले कभी शो देखा है आपने? देखा है, ऑफ कोर्स देखा है। देखा है आपने? ये आपको क्रिएटिव लग रहा है? मेरा पता नहीं मैं कौन हूँ। आपको हक वक मिलती रहती है ना, इन्हें नहीं मिलती तो सोचा दे दूं। वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव, बहुत ज्यादा क्रिएटिव। आई लाइक द क्रिएटिविटी। मैं यहाँ आपके साथ नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करने आई हूँ। शर्म नहीं आती? नए साल पे पुराना बॉयफ्रेंड। मेरा नंबर लो, जब भी डेट वगैरह पे जाना हो, फिल्म देखने जाना हो, मैं किसी भी हालात में हूंगा मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तो प्याज भी नहीं खाता। यू कैन हग मी एनी टाइम। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड आता ही होगा, पता नहीं कहाँ रह गया। कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं आता मैं आपका बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। चंदू, तुम तो मेरे पीछे पड़े थे। भूरी, जब सामने मालदीव्स का क्रूज खड़ा हो ना, तो मड की जट्टी की तरफ कोई नहीं देखता। चंदू, ये तुम्हें मड की जट्टी कहाँ से लगती है? ओ हेलो, इसने मुझे नहीं तुम्हें मड की जटी बुलाया है। जिसकी मड में जटी है वो कुछ बोल नहीं रही। उन्होंने जटी जटी पांच 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 जटी जटी वो बोल बोल के मालदीव से अपना क्रूज ले लिया उन्होंने। हाँ तो सोची, उन्होंने एक साल में क्रूज ले लिया, आपके पास क्या? मेरे पास माँ है। और मेरी माँ के पास मेरा बाप है। देखो, और मेरी माँ को अर्जेंट बहू चाहिए, आप घोड़ा चला लेती हैं? नहीं, मेरा बचपन से ही सपना था कि सात समंदर पार से घोड़े पे बैठ के एक राजकुमारी आए और मुझे ले जाए, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो ले जाए बस, और किसी को बताए नहीं। मुझे घोड़ा चलाना आता है। बाहर जाके टांगा चला फिर। मुझे घोड़ा चलाना आता है, शादियों का सीजन चल रहा है, चार पैसे कमाओ जाके इधर। सुन लिया तुमने, घोड़ा चलाना मुझे भी आता था, लेकिन मैं बोला कुछ ऐसे फ्री में बेचारे बेजुबान की भी बेइज्जती करवा दी तुमने। करने आई हूँ, तुम्हारी जंगल जानवर की बातें सुनने नहीं आई हूँ। अब जब तक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आता तब तक कोई गाना बजाओ। गाना कैसे बजेगा, क्योंकि इनकी मेहरबानी से 11 बज चुके हैं और 11 बजे के बाद पार्टी नॉट अलाउड। नहीं नहीं, इतना तैयार होकर आई पार्टी करने के लिए, पार्टी नहीं होगी ना उदास ना हो तुम। मेरे से लड़कियां रोती हुई नहीं देखी जाती, और आप इतना तैयार होके आई है। मैं देखो पार्टी चलेगी अभी, ओए तू गाना बजा, कानून तुम्हारे साथ है। ओए ओए बंद करो ये सब, चलो बंद करो। वो आप लोगों को पता नहीं है 11 बजे के बाद आप कोई पार्टी नहीं कर सकते हैं? अरे लेकिन बोलिए, तुम्हें नहीं पता 11 बजे के बाद पार्टी नहीं हो सकती इधर? मैं बात करती हूँ। मैडम आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी है, आप बताइए क्या हुआ? लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी। लो करवा ली ना बेइज्जती, और जाओ ग्लैमर के पीछे। हवलदार जी, इन्हीं इंस्पेक्टर ने कहा था 11 बजे के पार्टी के लिए। हाँ? अरे ये कहाँ के इंस्पेक्टर हैं? क्रिसमस पार्टी से सस्पेंड चल रहे हैं ये। आप सस्पेंडेड है, आपने हमें बताया नहीं। मैं शो ऑफ नहीं करता। मेरी एक बुआ का लड़का चोर है, उसने शो ऑफ कर दिया, सबको बता दिया मैं चोर चोर हूं, पुलिस ले गई। शो ऑफ नहीं करना, नजर लग जाती है। हेलो बस, सब अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ थाने चलो, चलो। मैं कैसे जा सकता हूं, मैं तो सस्पेंड हूं। अरे चलो थाने। मुझे पार्टी करनी थी मैडम, मेरा ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। मैं सब कुछ देख सकता हूं, एक इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, अब तो बिल्कुल ही नहीं देख सकता। ए, एक गाना बजाओ।
प्लीज सर एक गाना बजाने दो। एक मिनट, 11 बजे के बाद डीजे नॉट अलाउड। एक काम करो आप, हमें चार चार डंडे मार लो, डीजे चलाने दो थोड़ा, ना मेरे रहने दो, आप इसको 8 मार लो, मेरे हिस्से के 4 इसको मार लो। नहीं नहीं, हमें क्यों, हमें क्यों, हमारे हिस्से का भी आप 16 डंडे इन्हें मार लो, इन्हें मार लो। मेरी बात सुनो, आप खुद समझदार हो, 16 डंडे वाला क्षेत्रफल है ये। एक काम करो, मेरे को छोड़ो, इनको आप 32 मार लो। नहीं नहीं नहीं, इनके 32 और मेरे 32, 64 इन्हें मार लो आप। अरे हमें 64 क्यों? अच्छा जब 64 रोटियां खा जाते हैं तब गरम गरम देना जरा डंडे। नहीं 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 नहीं, 64 नहीं, अब 128 आप इन्हें मार लो। 128 का मुझे डबल भी नहीं करना था। अरे देखो, एक एक बात बताओ, किस किस ने हील पहनी है? मैंने। मैंने तो तुम लोग तो पिटोगी, हम तो भाग रहे हैं। अर्चना जी, अपनी दुनिया में तो हर कोई मशगूल रहता है। मशगूल का मतलब समझते हैं आप? हाँ, बिजी। बिजी, लीन, तल्लीन, व्यस्त। ओहो, पर्यायवाची शब्द सीख कर आया। अभी मेरे को सोनी टीवी ने बोला कि जिन शब्दों का किसी आर्टिस्ट को पता नहीं है उसके पैसे कटेंगे। तेरे, तुझे तो अंग्रेजी का कोई भी शब्द नहीं आता। शो हिंदी का है ना। अच्छा, तो उस हिसाब से तो मैं ये कह रहा था कि हर कोई अपनी जिंदगी में मशगूल रहता है, लेकिन एक दुनिया ऐसी थी जिसमें इंसान खुद से ज्यादा मशगूल रहता था, वो थी वागले की दुनिया। हमारे इंडियन टेलीविजन का बहुत बड़ा बेहतरीन शो वागले की दुनिया, जो फिर से आ रहा है नई पीढ़ी नए किस्से लेके। और आज इसी शो की पुरानी कास्ट और नए एक्टर्स जो नए सीजन में इस सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं, वो आज हमारे शो के बीच में आ रहे हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम मिस्टर एंड मिसेस वागले, मिस्टर अंजन श्रीवास्तव जी, भारती अचरेकर जी, और साथ में वेरी टैलेंटेड सुमित राघवन जी और परिभा प्रणति। आइए मैम, जोरदार तालियां हो जाएं एक बार वागले की दुनिया की नई स्टार कास्ट और पुरानी स्टार कास्ट ऑफ कोर्स। कैसे हैं अंजन सर? एक नंबर। सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, सुमित भाई आपको देख के, मैम आपको देख के। थैंक यू। और आप दोनों को देख के तो एक्चुअली 80s 90s का वो दौर याद आ जाता है, जब एक्चुअली पता क्या कि टीवी साफ चलता रहे, लोग एक एक्स्ट्रा बच्चा पैदा करते थे, अब ऊपर जाके एंटीना घुमाता रहता था ना, जिनके घर खड़े होते थे। तो मैं वही एंटीना वाला बच्चा ही हूँ वागले साहब। अच्छा अंजन सर, ये मतलब 80s 90s का बहुत सुपर हिट शो रहा है वागले की दुनिया, आपको उम्मीद थी कि 32 सालों बाद ये शो फिर से वापस आएगा और आपको द कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब हम अपना प्रमोशन कहाँ कर ले जाए, हम इधर ठोकते रहते बीच बीच में। तो अंजन सर कैसे मामला शुरू हुआ ये बताइए फिर कुछ। 87 में जी मिस्टर कुंदन शाह, उनके साथ एक सीरियल किया था ये जो जिंदगी में, कैमियो रोल कर रहा था उन दिनों जी। उन्होंने कहा एक जगह आके रोल पढ़ना है, तो मैं गया वहाँ पढ़ने के लिए। वहाँ मिस्टर कुंदन शाह बैठे हुए थे, मिस्टर रवि ओझा एक दूसरे डायरेक्टर थे उसमें। अच्छा जी। और उधर एक जेंटलमैन बैठे थे जिनको मैं ठीक से पहचानता नहीं था। अच्छा जी। तो मैंने कहा कौन है? ठहर, डिसिप्लिन, ओके, बैठा रहा। उन्होंने कहा पढ़ो, मैंने पढ़ा। He's very loud. I don't like him. देखो कौन है ये? चुप। नहीं कहा, if I will be in your place, I will do like this. I will read like, I don't know your Hindi. उन्होंने पढ़ के एक्टिंग करके बताया। अच्छा। हमने क्या किया इन्होंने समझ में नहीं आया मेरे को। निकलने के बाद बाहर जाकर के बताते कुंदन ने, तू मुझे मरवा दिया तूने यार। तो पूछता उनके सामने, तू कौन है ये? अरे इतना बड़ा कार्टूनिस्ट है वो, आर के लक्ष्मण नाम है। अरे बाप रे। हमको, मैं कभी मिला नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, मैं उन्हीं का लिखा हुआ कर रहे हैं यार हम लोग। रवि हो जाके समझाते हैं हमको, तू थोड़ा इसको दबा दे। कौन सी लाइन दबा दूँ मैं? बोले टोटल दबा दे, दबा के कर ना। दबा के कर, दबा के कर, दबा के हमने एक्सप्लेन लिए इसे कर दिया मैंने। दैट्स गुड, दिस ये चाहिए। हमने तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बोले यही तो चाहिए, कुछ नहीं करना है। सेकंड एपिसोड के बाद कहा कि ठीक है, ये वागलेज वर्ल्ड है,
इसका नाम वागले की दुनिया करो। वाह क्या बात है। और वागले की दुनिया शुरू हो गई। क्या बात है। और आज 32 साल बाद दोबारा शुरू हो रहा है। क्या बात। भारती मैम आपको देख के बड़ा मजा आया। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू मैम। अच्छा जब आप ये वागले की दुनिया आता था तो उस समय तो आप दोनों को लोग मिस्टर एंड मिसेस वागले के नाम से जानने लगे थे। तो जब आप अपने ओरिजिनल मिस्टर के साथ घूमने जाती थी। परेशान हो गई थी मैं। बोलते तो मतलब परेशान हो गई थी कि आपके मिस्टर कहाँ हैं। तो मैंने कहा नहीं बाबा ये मेरे मिस्टर नहीं है। अच्छा। तो ऐसे कैसे हो सकता है यही आपके मिस्टर। मैंने कहा ये इससे तो मैं कभी शादी नहीं करती। पर ऐसे क्यों मतलब क्या है इतना हैंडसम तो है। नहीं, अच्छा चश्मा अच्छा मतलब देखो तो आप कपिल साहब आप मेरी तस्वीर पुरानी दिखा दूंगा आपको। जितेंद्र बोलते थे जितेंद्र। मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इनको क्या मैं अपनी वाइफ को लेके जा रहा था। अच्छा आपकी पत्नी कहाँ है। ये है नहीं नहीं आपकी पत्नी राधिका। राधिका मेरी उसमें सीरियल में। अच्छा बट ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर लक्ष्मण। लक्ष्मण जी मैं किस्सा सुनाती हूँ जी। पहले एपिसोड में मैं थी नहीं। पहले एपिसोड में सिर्फ ये थी शाहरुख खान का एपिसोड था जो। अच्छा जी। उस वक्त चार चार दिन एक एपिसोड करते थे हम लोग। अच्छा जी। शूट तो दो दिन का है। शूट होने के बाद लक्ष्मण जी मेरे पास आते हैं बोलते कैन यू कम दिस साइड। अच्छा ओके। सो बहुत बढ़िया एक्टर थे वो। अच्छा जी। तो मुझे कहने लगे कि यू आर टॉकिंग टू योर हस्बैंड नो मतलब इनके साथ। हाँ तो हम लोग तो क्या ऐसे बात करते नक्का है ऐसे तो करते ही है ना। तो बोले नहीं You can't put your hand like this talking to your husband. Yeah, yeah. Oh. मैंने कहा ये भगवान मैं क्या करूँ मर गई मैं। उसके बाद मैंने बंद कर दिया वो बोलना। हाथों का क्या बोला फिर हाथ कहाँ पति की गर्दन पे नहीं हाथ ऊपर नहीं आना चाहिए। अच्छा पति के सामने ये नहीं होना चाहिए। पति के सामने ये नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ पति के सामने ऐसे ही होना चाहिए। उनके साथ हो सकता है पर्सनली ऐसा होता हो कि वो कह रहे हैं कि मेरे सामने है। और वो साउथ इंडियन थे ना लोग बम्बईया लोगों को तो पति के साथ तो क्या क्या करने की आदत है। अरे आपको अब क्या बताएं। सही बोला क्या है कि नहीं। तो मगर मजा आया बहुत मजा आया। अच्छा पुरानी वागले की दुनिया तो हम सब जानते हैं। मैं सुमित भाई आपसे पूछना चाहता हूँ आप और प्रणीति अब ये नए सीरीज में आप दोनों आए हैं जी और ऑब्वियसली इस बार कहानी जो होगी आपके सेंट्रिक होगी आपकी प्रॉब्लम्स होगी कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को। सबसे पहले एक तो ये एक आइकॉनिक शो है हम सब जानते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये सेंटिनरी ईयर है लक्ष्मण साहब। हाँ। और कहते ना कि बिग शूज टू फिल उसी तरह है कि वागड़े की दुनिया का जब भी जिक्र होता है या ये जो जिंदगी हो हम लोग हो बुनियाद हो उस दौर की जितने भी धारावाहिक हो तो आपके सामने वो चेहरे आ जाते हैं। राइट। तो वागले की दुनिया जब कहते हैं तब अंजन जी और भारती जी का चेहरा आ ही जाता है। राइट। तो मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि फिर आप कुछ अलग कर रहे हो। मैंने कि मैं अलग कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक तो आतिश हमारा बहुत बढ़िया राइटर है वो लिख रहा है एंड इन दोनों के यहाँ आने से इस शो में आने से यू नो ऑलरेडी वो 200 रन की लीड हमें मिल गई है। क्या बात। सो वी आर प्लेइंग सेफ। वैसे सुमित भाई जब ये वागले की दुनिया आता था तब आप कितने साल के थे। 16। यार एक बात के लिए तो तालियां बनती हैं। मतलब Honest. ये मैं 10 साल पहले तो हमने साथ में एक सिंगिंग शो किया था उससे आप 5 साल और छोटे हुए हैं। मतलब हालांकि 10 साल और बड़े लगने चाहिए थे पर मतलब कहने मतलब दिखते ही छोटे हैं गजेंद्र चौहान के टाइम के ही हैं ये भी। हंगल साहब। और कपिल कमाल की बात ये है कि आई थिंक पहली बार योर लीडिंग लेडी वाज मी। हां yes. अर्चना थी। वाह वाह अब तो मेरा जाने का टाइम हो। क्या बात कर रही हैं आप। yes. ये कब की बात है। एक सीरियल था आसमान से टपकी जो मैं प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी कर रही थी और पूरा किस्सा बताऊं। हां हां प्लीज। हमने इन्हें कास्ट किया था हीरो के फ्रेंड के अच्छा कैरेक्टर में। लास्ट डे था पायलट का और शाम को करीब 4 बजे मैंने अपने ईपी को बुलाया और बोला बॉस जो हीरो है वो इस फ्रेंड के सामने एकदम फीका पड़ रहा है। क्या बात है। वाह। एंड आई सेड दिस गाय इज ब्रिलियंट। ये उस दिन तुम गाड़ी नहीं लाए थे शायद तुम निकल गए थे ऑलरेडी पैकअप के बाद। मैंने बोला कहाँ है तो मैंने फोन किया इसको। मैंने बोला यू टर्न नहीं नहीं हम कल मिलेंगे मैम परसों मिल। मैंने कहा अभी यू टर्न करो ऐसी क्या जरूरत है। मैंने कहा अभी आ एंड देन वी स्पोक ही केम होम एंड आई सेड आई वांट टू कास्ट यू इन द लीड। तो वो भी बताओ इसने कहता लीड देन मेरा प्राइस डबल कर दो। पैसा अपनी जगह है ये बात है।
टैलेंट अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। तो फाइनली बातचीत हो गई कि मारपीट से फिर काम बना। वो मारपीट भी कर लेती है, मतलब ऐसा नहीं है। स्वीट हार्ट एंड वी शुक हैंड्स एंड इसने जो परफॉर्मेंस दी है, यू वर माइंड ब्लोइंग एंड वी सॉ यू एंड रियलाइज्ड हाउ वर्दी फादर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, वाह वाह। परिवा प्रणति, आपका नाम बड़ा ही प्यारा है, मतलब बड़ा ही यूनिक है। ये आपका एक्चुअल नेम है, लोगों की जुबान साफ करने के लिए रखा आपने, टंग ट्विस्टर? मतलब ये नाम अगर आप स्टीम लेके आए हो तो बड़ा क्लियरली ले, परिवा प्रणति, प्रणति, प्रणति। देखा, फिर से बोल, तीन बार एक साथ बोल, परिवा प्रणति, परिवा प्रणति, परिवा प्रणति। अर्चना पूरन सिंह को मुझे साल लगा था याद करने में, नाम तो याद हो गया था, इनको समझने में एक साल लग गया। अब समझ गया। हाँ, परिवा वैसे कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। ओके, तो आपको वागले की दुनिया याद है? उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, सो बट मुझे नाम याद था, वागले की दुनिया। सो मेरे पेरेंट्स बहुत फॉलो करते थे, तो जब मैंने उनको बताया तो वो बहुत खुश हो गए, बिकॉज वो उस टाइम एज यू सेड कि पूरी पूरा खानदान, पूरा ऑलमोस्ट पूरी कम्युनिटी साथ में बैठे, इनके शो में एक एपिसोड भी था आई थिंक कि पूरा मोहल्ला आके घर में एक साथ टीवी देख रहे हैं। टेलीविजन वो माहौल होता था टेलीविजन। हाँ एग्जैक्टली। तो दोस्तों ऐसा है कि हमारे मेहमानों से हम और भी बातें करेंगे, फिलहाल वक्त है उन्हें यहाँ बुलाने का जिनके दिमाग में वागले की दुनिया को फिर से हमारे बीच लाने का आइडिया। तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शो के प्रोड्यूसर एंड राइटर मिस्टर जेडी मजीठिया और आतिश कपाड़िया। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। Thank और धन्यवाद आतिश सर, आप जेडी सर के साथ आए, ये तो नॉर्मली जेडी के साथ कोल्ड ड्रिंक आती है। सर बैठिए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद, वागले की दुनिया को दोबारा आप हमारे दर्शकों के सामने लेके आ रहे हैं। जो नई जनरेशन है जिन्होंने शायद पिछला सीजन नहीं देखा होगा, बाद में जन्म लिया होगा जिन्होंने, उनको देख के बहुत मजा आने वाला है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे पड़ोस में आ रहा है सब टीवी पे। oh, हाँ, तो पड़ोसियों का ध्यान रखना जेडी साहब। कई पड़ोसी ऐसे भी चीनी नहीं मांगते, सीधे 100 एपिसोड मांगते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से सर ये बागले की दुनिया को वापस से नया सीजन लाने का आइडिया किसका था? आर के लक्ष्मण जी का। ऐसा हुआ कि हम एक शो पे काम कर रहे थे, एक मिडिल क्लास फैमिली पे काम कर रहे थे, और सब टीवी के जो बिजनेस हेड है नीरज जी, उससे एक अगली रात को बात हुई कि वागले की दुनिया एक रेफरेंस के तौर पे नाम निकला। अच्छा। दूसरे दिन ऐसे ही मैंने उषा जी, उषा लक्ष्मण जी उनकी डॉटर इन लॉ है जो अभी सारा काम संभालती है उनका, उनको ऐसे ही उनके मैसेज आते रहते थे, उनका कुछ आरके लक्ष्मण जी का एक एपिसोड था, तो मैंने उनको मैसेज किया उषा जी कैसी हैं, तो उनका फ़ोन आया कि जेडी वागले की दुनिया करना है, हमारे पास कुछ एपिसोड्स हैं तो कैसे कर सकते? तो मैंने कहा वो नहीं करते हैं, नया करते हैं। बोली कैसे करेंगे? बोला आप मुझे एक दिन का वक्त दीजिए। नीरज जी से बात हुई कि टाइमिंग देखे, हम एक इसी तरह के फैमिली पे काम करते हैं, नीरज जी ने वागले की दुनिया का नाम लिया, मैंने ऐसे ही मैसेज किया उषा जी का सामने से, उन्होंने वागले की दुनिया करते हैं, तो हम सब ये मिलके बात सोचते हैं, तो सब कुछ एक साथ बैठ गया और दो दिन में ये बात तय हो गई कि हम वागले की दुनिया नई सीजन करते हैं। कैसे करेंगे अभी वो तय नहीं हुआ था। आतिश को जस्ट मैंने फोन किया कि देख ऐसी ऐसी बात हुई, आतिश साहब दो तीन कहानियों के साथ रेडी, तीन दिन में ये सारा खेल एक साथ। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभार होता है ना एक संकेत होता है ऊपर से, बिल्कुल उनके सेंटेनरी साल पे वो चाहते थे कि ये हो जाए और ये हो रहा है। वाह क्या बात, सुपर। जो इन्होंने कहा आई विल जस्ट ऐड टू इट कि ऑफिस में बैठते ही जैसे कि कोई ऊपर से बोल रहा है कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो, तो हम 6-7 कहानियां तो धड़ 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 वहीं पे बन गई। माय गॉड। फिर हम जब चैनल में गए और हमने उनको सुनाया तो बोले कि यार एब्सोल्युटली परफेक्ट क्रैक किया है आप लोगों ने, क्योंकि मुद्दा यह है कि वो वागले था एक, वो 88 का, वहाँ के प्रॉब्लम्स थी। हमने क्या सोचा कि एक वो पीढ़ी थी, एक ये पीढ़ी है और एक आने वाली पीढ़ी है जी। तो हमने क्या सोचा कि ये मझली जो पीढ़ी है उसके जरिए क्यों ना हम आज के प्रॉब्लम्स, पिछले कुछ प्रॉब्लम्स में से जो सॉल्यूशंस मिले हुए हैं उन सॉल्यूशंस को आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचाए, ताकि उनकी जो नई नई प्रॉब्लम्स आएगी उसमें ये There are some universal truths and universal solutions in the past. Exactly. जेडी सर आपने दाढ़ी बड़ी कमाल की रखी है। Thank you. आगे चल के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता दिखा। अब गुजराती भी है। पर ना मैंने जेडी सर के शोज देखे, इनके नाम बड़े बड़े होते थे, सारा भाई वर्सेस सारा भाई या बाव बहू और बेबी, आपका खुद का नाम जेडी है, ऐसे के छोटा नाम रखने से टैक्स कम पड़ता है जेडी सर। मेरा नाम है जमुना दास।
अच्छा तो जमुना दास ऐसे जब मैं छोटा था तो लोगों को ऐसे लगता था कि तो किसी बुजुर्ग का नाम होता है ऐसा लगता है तो मेरे स्कूल में कोई कभी मेरा पूरा नाम लेता ही नहीं था अच्छा तो मुझे यार जमुना कहते थे तो जमुना तो लड़की है मेरे को फर्क नहीं पड़ता समझ में भी नहीं आता था जमुना जमनो कुछ भी कहते मेरे स्कूल के दोस्त आज भी मुझे ऐसे बुलाते तो मुझे अच्छा ही लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कॉलेज में आया होता है ना पहले दिन कॉलेज में इंट्रोडक्शन होता है आपका नाम बताओ तो मैंने कहा जमुना दास तो बोलता नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी का नहीं तुम्हारा नाम बताओ मेरी कॉलेज की एक दोस्त थी उसने जेडी बुलाना शुरू कर दिया जमुना दास लंबा है तो मैं भी फिर तब से जेडी हो गया और फिर जैसे आगे बढ़ता गया लोग जेडी कहते जो आपने कॉलेज की आपकी जो फ्रेंड थी उसने आपको जेडी पहली बार बुलाया और इतना सीरियसली आपने उसको लिया वो सिर्फ फ्रेंड ही थी तुम्हें नहीं लगता हमें टॉपिक चेंज करना चाहिए वो इग्नोर कर दिया आते सर आप डायरेक्टर भी हैं प्रोड्यूसर भी हैं एक्टर भी हैं राइटर भी हैं तो आप मतलब टैलेंटेड जाना या बीइंग ए गुजराती आपका फर्ज बनता है कि पैसे बचाऊं मैं है सर एक्चुअली ना मैं राइटर बाय डिफॉल्ट बन गया अच्छा जी क्योंकि मैं जब इंटर कॉलेजिएट थिएटर वगैरह करता था तो बड़े टुच्चे से फालतू से रोल मुझे मिलते थे तो मैंने कहा यार कोई रोल नहीं दे रहा है क्या करो खुद ही लिख लो तो एक इंटर क्लास कॉम्पिटिशन में मैंने ही अपने लिए एक प्ले लिखा अच्छा लेकिन मैं इतना बेवकूफ था 17 साल का था मैंने प्ले लिखा और मैंने कास्ट किसी और को किया अच्छा जी तो वो लोग बोले कि तू खुद अपने आप को कास्ट नहीं कर रहा है तो कोई और कैसे करेगा भैया आपकी ईमानदारी थी सर तो एक्चुअली मुझे चॉइस दी जाए तो मैं तो सिर्फ एक्टिंग करना चाहूंगा अच्छा जी और क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेटेड एक्टर हूँ क्योंकि कोई पूछता ही नहीं मैं नहीं साहब कपिल साहब वन थिंग अबाउट आतिश सर इज आई थिंक आई कैन मतलब इनसे अच्छा नरेशन नहीं दे सकता कोई हाँ बिल्कुल बिल्कुल पता परिवार मेरे किसी ने बताया कि जब आतिश सर चैनल में नरेशन देने जाते हैं ना 8-10 लोग आके बैठ जाते हैं तो मेरे में इस मन में आया था कि या तो नरेशन बड़ी अच्छी देते हैं या फैल जाते हैं 8-10 लोग इकट्ठा करने के लिए बैठते हैं तो मुझे पूछना ही था एक्चुअली ये सवाल भी वो नरेशन देते हैं ना तो आप घंटों बैठ के बस उनको सुनते रह सकते हैं जब वो नरेशन दे रहे थे ना मुझे लक्ष्मण जी की याद आई थी क्या बात है कैसा लगता है आतिश सर जैसे इतनी खूबसूरत लड़की सारे सीनियर एक्टर एक साथ इतने कॉम्प्लीमेंट आ रहे होते हैं उस समय दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यार वो 17 साल का था तब मुझे अपने आप को ही कास्ट करना चाहिए था लोग जो बोलते हैं एक्चुअली मेरे अंदर तो मतलब कुछ एक माई वाइफ कॉल्स मी कि ये आ गया मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला कभी कभी मेरा हाथ ऐसे होता है वो आके रख देती है बिकॉज़ व्हेन आई एम राइटिंग ऐसे कई बार ऐसा हुआ है अमेजिंग बंद करो भाई बंद करो मेरे को नहीं मालूम ये लोग रस्ते में आ रहे थे मैंने इन लोगों को ज्वाइन कर लिया भाई साहब क्या बंद करना है सपना ब्यूटी पार्लर बंद करो अच्छा सपना ब्यूटी थी पहले मेरे से ही मेरा पार्लर बंद करवाएगा तू काय को तुम्हारे मसाज के चक्कर में मेरी तीनों की तीनों बुआ फूफा बन के घूम रही है अरे मूछें निकल आई है उनकी कपूए मेरे को किसी भी एंगल से टैलेंटेड नहीं लगता है लेकिन अपने शो पे आए इसको कुछ सिखाना बनता है हाँ। जरा बाजू हटना इनके पैर छुओ क्यों इनसे सीखने का है तेरे को नहीं नहीं गिटार नहीं सीखना है इनसे ये सीखो जब खुद को कुछ नहीं आता है तो कैसे काबिल आदमी को फंसा के बिजी रहने का ठीक है बहुत अच्छा वेरी नाइस बहुत अच्छा बच्चे लोग फिर कभी मत आना है चलो भाग रहे इधर से बढ़िया हाय 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 कैसे आप लोग मैं बता नहीं सकती 2 साल पहले हम लोग का शो चालू हुआ ना तब से मेरी दिली इच्छा थी जेडी जी आप आए इस शो के ऊपर और मैं कभी आपको साक्षात देखूं मैं मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है चल झूठी कहेगी हाँ तो इनको भी पता है ये झूठ है कुछ झूठ जो रहते टीवी के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं पब्लिक को बहुत मजा आता है मजा देने का लाइफ में मजा है और क्या है लाइफ में कुछ नहीं हाय हेलो कैसे आप एकदम मजे में आप लोग का है ना वो वागले की दुनिया हाँ मेरे को आज तक एक चीज समझ नहीं अर्चना जी ये दुनिया है किसकी मतलब ये लोग बोलते हैं वागले की दुनिया है कल टीवी पे वो सनी लियोनी बोल रही थी ये दुनिया पित्तल दी
अर्चना जी की दुनिया मड दी, इन लोगों की दुनिया घमंड दी। घमंड की दुनिया कैसे? हाँ, अरे एक इंस्ट्रूमेंट बजाने को नहीं आता है लोग को, लेकिन सोशल मीडिया पे तेरे और मेरे से पहले ये लोग फोटो डालते हैं, रॉकिंग एपिसोड। काय का रॉकिंग है तुम लोग रे? फिर हम लोग के शो पे आते हैं। हाय अंजन जी, कैसे? हाय। हाय। ये शो के बहुत फैन मेरे दादाजी की। अच्छा, दादाजी? हाँ, बचपन से देखते थे ये शो। इतना पुराना शो थोड़ी दादाजी, बचपन से देखते। एक सवाल पूछने का था आपको सर, जब ये शो आपका आता था तो उस टाइम पे आग माचिस से जलाते थे आप लोग के पत्थर से? सपना, ये इतना पुराना शो थोड़ी ना, अभी तो नया सीजन भी आ रहा है उनका। नया सीजन है? हाँ। अच्छा अच्छा, कभी भी मेरे को शूटिंग पे बुलाना, मैं अलग अलग टाइप का मसाज देगी आपको, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम रहेगी तो। नया 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 वागले। कौन से? ये नया वागले? नया वागले। अच्छा, आपको मसाज दे, इनको मसाज दे सकती है ना इनके शो पे? शो में कैसे जा सकती है तू? अच्छा, दूसरे का शो वाले इधर आ सकते, हम लोग दूसरे के शो पे नहीं जा सकते? सर, इसी दोहरी मानसिकता का मैं पेमेंट लेती हूँ। पहले भी दोहरी मानसिकता का विरोध करती थी। विरोध से कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को, पेमेंट रहता है, पेमेंट पेमेंट से फायदा होता है। ये काहे का सेलिब्रिटी सेल, ब्रिटिश सेल होना चाहिए। मजा आया वर्ड प्ले में? नहीं आया ना? बहुत आया। मजा नहीं आया तो काम करो सर, क्या है जोक के ऊपर जो है ना कोई भी हंस लेगा, लेकिन वर्ड प्ले तो हंस के दिखाओ अगर आप में दम है तो। मैंने इन पे डाल दिया चैनल। अभी आपके गेस्ट में दम रहेगा तो वह हंसेंगे, मेरे काम तो खत्म हो गया। हाँ। जी कैसे? अरे बिल्कुल बढ़िया। बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। सुमित राग वन ना? यस यस। तो अगर आपका कोई भाई होता तो राग टू होता हो? नहीं, मेरे को मालूम था फालतू जोक है, लेकिन मैं इसलिए बोली कि इस टाइप के फालतू जोक अभी बंद कर दिया हम लोगों ने, अभी हम लोग फ्रेश माल लाएंगे। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी वो कर लेके अपन वो सेल्फी वाला आइटम। सेल्फी क्यों? नहीं, मेरे को सुमित जी ने पीछे मेरे को मिले थे तो बोल रहे थे क्या कि जब मैं स्टेज पे आऊंगा ना तो मेरे को बोलना कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ, ऐसा मेरे को बोल रहे थे। अच्छा। कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे सेल्फी वाला, ऐसा कोई टेंशन नहीं, ये चीज एडिट हो जाएगी। ये जो मैं बोली एडिट होगा, शॉट यहाँ से लगेगा। एक मिनट, एक्शन। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, मेरे को आपके साथ सेल्फी चाहिए, मिलेगा क्या? हाय सर, कैसे आप? एकदम मजे में। बहुत अच्छे सर, आपको एक सलाह दूं क्या? हाँ प्लीज। लाइफ में कभी भी आप किधर बाजी मत लगाना। क्यों? नहीं तो आप आतिशबाजी हो जाएंगे। अभी तो तूने ऐसा कहा कि ऐसे जोक्स मैंने बंद कर दिए। क्यों, ये फनी नहीं था? कल मैंने सुनाया था उधर नाला सोपार में सब बेवड़े लोग बैठते ना, उन लोग को सुनाया, वो लोग बहुत हंसे उधर। ओ हाँ, अच्छा आप लोग पीकर नहीं आए ना? ए चैनल, तुम्हारा गेस्ट नो पीकर नहीं है, उनका प्रॉब्लम है, हंस नहीं रहे वो लोग, हंसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। खैर, मेरे को पीने से याद आया, जेडी साहब कैसे आप? मस्त हूँ, मस्त। अभी लुक बदल लो, क्रिसमस खत्म हो गया। खैर भारती जी कैसे आप? बहुत सीनियर है भारती जी का, मैं आशीर्वाद लेगी। मैं बहुत अच्छी हूँ, जरा आराम से मुझसे बात करना। हाँ हाँ। नहीं नहीं, क्यों, क्या है ना, आप लोगों को पता नहीं है, इसकी बीवी की मैके की हूँ मैं। हाँ। नहीं नहीं, है वो हमारे फैमिली वाले। इसकी बीवी की ग्रैंड मदर मेरी मदर की फ्रेंड थी, जो सिंगर्स है दोनों की दोनों। हाँ जी। इसकी सास मेरी बहुत फ्रेंड है अच्छी, और कश्मीरा है जो है वो मेरी भांजी लगती है, तो मैंने कहा जरा आराम से बात करना मुझसे। अरे नहीं, मैं आराम से, मैं एक्चुअली पता है क्या, मैं आती आपसे बात करने वाली थी। क्या बात? हाँ, लेकिन मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। क्यों? मेरे को लगा, छोटी बिंदी लगा कि उषा उत्तप जी बैठी है। आपका बहुत काम देखे ला मैंने। कितना साल हो गया आपको? 40 साल हो गए। 40 साल, माय गॉड, आपने तो मतलब अनुपम खेर के सर पे बाल भी देखे रहेंगे ना। सीनियर है मैम। सपना हो गया तेरा, चल जा फिर अभी। अरे ऐसे कैसे जाएगी कप्पू, मेरा तो धंधा है सर, आप लोग अभी फर्स्ट टाइम आए ले। अंजन जी, मेरा इधर ब्यूटी पार्लर है। ओ, सपना ब्यूटी पार्लर। जी सर, और हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज देते हैं इधर, तो आपके लिए मेरे पास मसाज है। अभी आप भी इतने सीनियर है इतने पुराने टाइम से,
तो कप्पू मेरे पास क्या मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट मसाज है. इसमें क्या होता है? चाहिए आपको वही चाहिए? हाँ वही चाहिए. आप बहुत अच्छे रहते. उसमें कह रहे थे कस्टमर रहते हम लोग उसको तेल लगाते हैं और फिर वो चिटका नहीं रहते ना कपड़ा सुखाने वाला वो उसके नाक पे डाल देते. अच्छा तो वो बोलता है सपना कौन कौन से टाइप का मसाज दोगे? ऐसे कौन बोलता है? ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसे बोलते है. खैर मेरे को जाने का टाइम आ गया. वो बहुत आर्टिस्ट लोग आते ना इधर वो पंकज त्रिपाठी ना वो लास्ट टाइम आए मैं उनको मसाज दी वो अपना त्रिपाठी छोड़ गए और मेरी लाठी उठा के ले गए. उनका भी फोन आया वो चौपाटी पे है बोलते उधर मेरे को सब लाठी लाठी बोल रहे तो मेरा त्रिपाठी लौटाओ. तो मेरे को भी मैं जाएगी चौपाटी पे फिर उसको त्रिपाठी देके अपना लाठी वापस लेके आएगी. मेरे को कितना मुश्किल से याद हुए मेरे बता नहीं सकती मेरे को. खैर मैं चलती है सर है ना. आप लोग का शो आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत आपको गुड लक. भगवान करे आपका शो हमारे शो जैसा चले. अरे लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ. दिखाऊँ क्या? क्या पांडे जरा दिखा. मैं ऐसा सोच रही थी सर हा? मैं इस शो पे 15 मिनट के लिए आती हूँ अपना सब टैलेंट दिखा के जाती हूँ. अर्चना जी कुछ लोग इस शो पे 1.5 घंटा आते हैं. ट्राई करो ना कभी करो कुछ. भारती जी एक बात बताइए. बोलो. जैसे पहले एक तो आप इतने कॉन्फिडेंस से और इतना दबके बोलते. बोलो. मैं डर ही जाता हूँ कि नहीं नहीं फिर कभी पूछ लेंगे कभी. जैसे प्यार होता है मेरा. नहीं नहीं बिल्कुल आप प्यारी भी बहुत है मैम. जैसे होता ना कि कोई भी चीज़ जब इतनी बड़ी हिट हो जाती है तो लोग बार बार आपको उस रूप में देखना चाहते हैं. तो कभी आपके मन में नहीं आया यार वागले की दुनिया कर लिया अगर नहीं करती तो आज मैं भी मिथुन दा के साथ शिफॉन की साड़ी पहन के हैं? कभी ऐसा मन नहीं किया आपका? जैसे हमारे ना यहाँ पे हमारी सारी टीम इंक्लूडिंग हमारे डायरेक्टर हमारे राइटर तो सब वागले की दुनिया के सब बड़े फैन हैं. बोलते हैं यार हम भारती जी और सर को आपको साथ में कोई ऐसा क्योंकि वागले की दुनिया में ऐसा तो कुछ था नहीं ना. जैसे सुमित भाई बड़ा अच्छा गाते हैं रोमांटिक गाने ये वो कहीं ऐसे यहाँ पे एक मज़ेदार ऐसा कुछ रोमांटिक गाना हम गाएं आपके लिए ऐसे बोल रहा हूँ. भारती मुंह बंद कर ले. देखिए ये ही पॉसिबल हो सकता है. देखिए फिल्म में तो कहानी होती है अंदर से आना चाहिए ना वो. तो आपको अंजन सर को देख के फील नहीं आता? अरे अभी उम्र क्या हो गई हम दोनों की? रोमांस की उम्र है क्या? नहीं है. नहीं पर जिंदा रहना चाहिए दिल के अंदर का बच्चा. मैं अपनी अपनी जिंदा हूँ. नहीं नहीं पर एक भारती जी एक हो जाए मजा आएगा. ये आप और गाना और अंजन सर मजा आ जाएगा. सुमित भाई लाइव बिल्कुल लाइव. भारती जी वागले ऑर्केस्ट्रा की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. क्या बात है क्या बात मजा आ गया. वाह एक बार वागले की दुनिया की पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां. आइए आइए मैम आइए सर आइए. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे शो पे आए बड़ा मजा आया आप सबसे बातें करके और आपको वागले की दुनिया के नए सीजन के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस. थैंक यू. और हम उम्मीद करते हैं और हम वी आर वेरी श्योर कि लोग बहुत ही पसंद करेंगे और थैंक यू आते रहिएगा हमारे शो पे. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम कभी पहले जब कॉमेडी शोज हमारे चलते थे तब लोग हमको मिलते थे सर हमें सूप कॉमेडी करो जो आप लोग किंग ऑफ कॉमेडी हो. ऐसी कोई फैंस जो थे बहुत प्यार से भावुकों के बहुत ज़्यादा भी उपमा देते हैं. पर मैंने बहुत सालों से जितनी भी हिंदुस्तान में कॉमेडी देखी है लेट मी टेल यू और ये मेरा बहुत ऑनेस्ट कोई शो को लेके या कोई हमारे शो की वजह से नहीं है. आई बीन टेलिंग माई फैमिली ऑल्सो कि
कॉमेडी में आप लोगों का इतने सालों से हिंदुस्तान में कोई जवाब नहीं है. थैंक यू. कपिल, आप जैसा स्पॉन्टेनियस आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है. थैंक यू सर, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप. पूरी टीम, इट इज एन आउटस्टैंडिंग टीम, और आप बहुत लोगों की सेहत, लाइफ, सब कुछ बना देते हो. उनका जो वीकेंड की होप पे बैठा होता है एक व्यूअर, आप उसका वीकेंड बना देते हो. थैंक यू. ढेर सारी बेस्ट विशेस आपको, आपकी पूरी टीम को. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. आइए. अर्चना जी, आज हमारे यहाँ दो बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं. इनका एक बहुत ही प्यारा गाना रिलीज हुआ है, मेहंदी वाले हाथ. तो जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड सिंगर गुरु रंधावा एंड वेरी ब्यूटीफुल संजना सांगी. हाय मैम. हाय संजना, ह्यूज फैन. थैंक यू सो मच. वीडियो में बाकी रह गया था कुछ? इधर आते भी शुरू हो गया, मतलब वेलकम करने वाला था आपका. भाई मैं तभी रुक गया कि मजा आने लगा ना एक्टिंग करने का. गुरु और संजना के लिए जोरदार तालियां. बहुत ही प्यारा गाना है और बहुत ही कमाल का वीडियो है. थैंक यू भाई. थैंक यू. और आपका बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की बहुत बहुत मुबारक. आपको भी. आप जिस तरीके से आ रहे थे, मुझे लग रहा था नई नई शादी हुई, रिसेप्शन हो रही है. कितना गुरु, आप कब से जानते हो संजना को? जब से वीडियो शूट हुआ है. लगता नहीं है ना? लगता है जैसे सालों से जानते हो आप. इतने कॉन्फिडेंस के साथ तो मैं अर्चना जी के साथ नहीं आया, हम तो इतने सालों से जानते हैं. पर वाह. नहीं, मैंने आप ही सीखा है. मैं इससे कहाँ सीखा, मैं बातों में ही हूँ बस ऐसे. आप ही ने तो बताया था कि अगर जब भी मेरे शो पे आना है तो मेरे को बता दिया कर, पहले लड़की कौन सी आ रही है उस हिसाब से बुलाऊंगा. तो इन्होंने मैम मुझे लिस्ट दे रखी है 15-16 हीरोइन की. मेरे को वो लिस्ट दिखाना कि अभी इस बार बोल रहे थे. अच्छा, मैंने कहा वो संजना को ले लिया. मैंने कहा जल्दी पहुंच फिर. देखो वैसे सिंगल आदमी का कितना फायदा है. हाँ. कहीं पे भी डबल हो रहा है. पिछली बार नोरा के साथ आए थे, इस बार संजना के साथ. वाह. और हम यहाँ पे गुड इवनिंग. हम शनिवार ही बस थोड़े अच्छे से कपड़े पहन के प्रश्न, बाकी दिन हम बरमुडा पहन के घूमते रहते हैं देरी में हमें मतलब. पर बड़ा ही कमाल का वीडियो आया आपका. Thank बड़ा ही खूबसूरत गाना है और आप दोनों ने बहुत ही बाकमाल काम किया है. बहुत बहुत मुबारक आपको. थैंक यू भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ये हमने बहुत ही स्पेशल अपने सोल्जर्स के लिए गाना बनाया है और मैं उसमें एक सोल्जर का रोल प्ले कर रहा हूँ. एंड संजना एक जिसकी शादी होने वाली वो रोल प्ले कर रही है. और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सोल्जर्स को ये गाना बहुत प्यारा लगे और उनकी फैमिलीज के लिए बनाया, उनके लिए बनाया और सारे हिंदुस्तान के लिए बनाया. वी लव आवर सोल्जर्स. थैंक यू सो मच. अच्छा, संजना ने तो डेब्यू रॉकस्टार से किया था. Am I right, संजना? Yes, sir. उसके बाद चाइल्ड एक्टर. हैं? हाँ. मैं 13 साल की थी रॉकस्टार के टाइम. हम तो 14 साल में जवान हो जाते हैं. आप अपने आप 13 साल में बच्चा बोलते हो, ठीक है. पर हाँ, बड़ी बड़ी कमाल की फिल्म थी और बड़ा अच्छा काम किया था. थैंक यू. और लास्ट ईयर भी इनकी बड़ी अच्छी फिल्म आई दिल बेचारा. और अभी इन्होंने गुरु के साथ जो सिंगल किया है. कितनी कम उम्र में आपने इतने बड़े बड़े काम कर लिए हमारे शो में आने के लिए. सो प्राउड ऑफ यू सर. इट वाज ऑल फॉर दिस. इट वाज ऑल एडिंग अप टू बी हियर. अच्छा, तो बैक स्टेज मेरे को बोल रही है कि मैं ये स्टेज पे बात बोल दूं कि मेरा बचपन यहीं से शुरू है. कपिल क्या बात कर रहे हैं? सर बुला तो नहीं मानेंगे, मतलब मुझे बोल रही थी. मुझे लगा आप गुस्सा ना हो जाओ. कब की बात है ये? देखो, ये होता था कि स्कूल से जब मैं वापस आती थी तो लगातार नहीं देख पाते आप. इतना ग्लो है ना, लाइट इतनी है, मतलब क्या बात है. कितनी प्यारी हो संजना आप. अच्छा, फिर जब स्कूल से आती थी हैं तो रिकॉर्ड करते थे हम आपका शो. अच्छा. हाँ, और लाइव नहीं आता था आपके गांव में? हाँ, मेरा गांव दिल्ली जो है, पढ़ाई के बीच बीच में स्ट्रेस बस्टर के लिए आपका शो. वाओ. सिंस आई वाज 8 years old. अच्छा. नहीं यार, इतने भी पुराने. कौन सा शो? मतलब ये वाला शो, उसके पहले वाला शो तो नहीं देखती रही? तब तो मैं भी बच्चा था, मेरा लाइसेंस थोड़ी बना था तब. हाँ, जैसे ही मैं पकड़ा गया कि मैं अभी बाल मजदूरी कर रहा हूँ, वहां से निकल गया मैं. सोनी पे आके मेरा लाइसेंस बना है. अच्छा. मुझे याद है स्कूल में व्हेन आई वाज ए किड, उस समय ना और किसी बाकी दिन तो बहाने वाने लगाता रहता था. 1947 की बात कर रहा था. शूटिंग शुरू होगी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई. बाकी दिन हम स्कूल बहाने लगाते हैं ना. 26 जनवरी 15 अगस्त को नहीं कभी लगाए हमने. लड्डू केले मिलते थे ना स्कूल में. आपके स्कूल में मिलते थे कभी? हलवा
मूंग दाल का। आप स्वीट शॉप में पढ़ने जाती थी? थोड़ा अमीर स्कूल पढ़िए ना। अमीर स्कूल? अमीर स्कूल था इनका। ये थोड़े ये इंग्लिश किड हैं थोड़े से ना। मैं खुद बड़ा डिस्टर्ब रहा हूँ सेट पे ना जब शूट कर रहा था। अच्छा, इंग्लिश बोलती थी बहुत ज्यादा पारी। मैंने तो तीन चार बार सेट पे जाना मना कर दिया। गलत पिक्चर पेंट कर रहे हैं। टू मच इंग्लिश है क्योंकि मैं जब कैट इज आउट ऑफ द बैग ऐसे ऐसे लाइन बोलने लग जाती हूँ। कैट इज आउट ऑफ द बैग, ये देखो व्हाट इज दिस, मतलब कैट आउट ऑफ द बैग ये क्या इंग्लिश है। देखो, गुरु सीक्रेट बहुत रखता है। हाँ, बहुत सीक्रेटिव है। अच्छा। हाँ, तो कैट इज आउट ऑफ द बैग है जब उसकी पोल खुल जाती है, और बहुत होता है उसकी पोल खुलती है तो बोलना पड़ता है। इट्स टू मच इंग्लिश। आउट ऑफ द बैग, रनिंग आउट ऑफ द बुशेस। ये यानी क्या है? हमें सिखाओ सजना एक दो चार चीजें। कैमरा बंद कर दो, मैं हमारी अपनी ट्रेनिंग के लिए मैं अपनी बीवी के सामने बोलूंगा जाके कि गिनी कैट इज आउट ऑफ द बैग। पता नहीं क्या इसका, वो जिस दिन पकड़ेगी ना तेरे को तो वो तेरे को बोलेगी द कैट इज फाइनली आउट ऑफ द बैग। वो तो फिर आउट ऑफ द होम ही करेगी मेरे को सीधा। अच्छा चलो, मैं अब धंधे पे आता हूँ। मेन अपनी बातें करते हैं। जैसे मैंने सुना है संजना की लड़कियां जो मेकअप यूज करती हैं ना, उसमें ना शेड्स बड़ी आती हैं, आइवरी और क्या वो हनी और पता नहीं क्या क्या। करेक्ट। तो जो आप ग्लो कर रही हैं, ये भी कोई शेड मार्केट में अवेलेबल है या मनी मन में आप मुझे आई लव यू बोल के ऐसे खुद ही खुश हो रही है? अच्छा, किसी के मन की बात का मुझे पता नहीं, हम अपने मन की बात तो बोल ही देते हैं, पर आप बहुत प्यारी लग रही हैं। माँ के प्यार का शेड। माँ के प्यार का शेड, क्या बोला है? नहीं, प्यार तो हमारी माँ भी बड़ी करती है, हमारा ग्लो पता नहीं कहाँ गया, हमारे आया ही नहीं कभी। सर, फिर बटर चिकन और नान खा के बहुत ग्लो आता है। मैं एक चीज करती हूँ कि मैं डाइट नहीं करती। अच्छा। और अच्छा खाना खाने से काफी कुछ हो जाता है। एक एज तक आप खा सकते हो, अब बच्ची हो ना आप, छोटी। हाँ, हो करेक्ट। अभी इसका खा लो खाना आप। फेस पर ग्लो पर नहीं आता, यहाँ आता है इसका सारा खाना। और मेरा यहाँ पांडे का, उसको जैसे लगा ना उस पर आने लगी, कहता जितना तू पेट अंदर खींचता ना तेरी नाभि मुंह से रास्ते बाहर आ जाएगी किस दिन। आइए गुरु विराजमान हो जाए, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जोरदार तालियां गुरु और संजना के लिए। अच्छा वैसे गुरु, कांग्रेचुलेशन, आपका पिछला जो सिंगल आया था आपका नोरा के साथ, 300 मिलियन से ज्यादा हो गए ना उसके। वाह, यहीं से शुरू हुआ था सफर उस गाने का भी। और जब जब मैं यहाँ पे आया हूँ, जो जो गाना भी करा है वो गाना सुपर हिट हुआ है ना। आई थिंक आपका प्यार और आपके सारे सेट की जो ये खूबसूरती और मुस्कुराहट गाने के बीच में जाती है लोगों तक थ्रू टेलीविजन, आई थिंक वो ही सब कुछ करती है ना। इसके लिए थैंक यू करना चाहता हूं। आप ऐसा बोल रहे हैं, थैंक यू। पर आप बहुत ही टैलेंटेड है गुरु। अच्छा, फिर नोरा ने कहा ना कि मेरे गाने 300 मिलियन से ज्यादा भी हो गए, तो इस बार संजना के साथ गाना कर रहे हैं, मुझे नहीं लिया ऐसे बोला नहीं उसने? नहीं, ये तो वैसे उसने हमें बेस्ट विशेज भेजी हैं, ऑलवेज शी ऑलवेज कमेंट्स है ना। अच्छा, मैंने ना एक बात नोटिस की, आप सबने देखा होगा गुरु के जितने भी गाने आए ना, उसमें जो मॉडल्स होते हैं या डांसर्स होती हैं, बड़े मतलब बड़े फैशनेबल और ये सब कपड़े हो, पर आप इसमें अपने सलवार कमीज ज्यादा पहना है। हाँ, बड़ा प्यारा वीडियो है। तो आपको शक नहीं हुआ कि ये गुरु रंधावा के गाना कहीं अनूप जलोटा की एल्बम तो नहीं शूट हो रही? सर, पर ऑनेस्टली एक्टर होते हुए जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था गाने का जी, इट वॉज आई कुडंट बिलीव कि गुरु कर रहा है, क्योंकि इट्स so against everything. I mean, usually it's shaadi and naach gaana. Right. But that's what got me. I was like, ye karna hai, gurus ko acting karwani hai. To set pe too much acting aur too much English dono ho rahe the. Wow. Ek to aapka apna glow itna upar se aapki saadi na. Mere thodi thodi der baad mujhe muh idhar karna padta hai. Par aapko dekh ke 2 second pande ko dekhta hu to fir normal hota hai. यार पांडे, यार पांडे अपना भाई है, वैसे मेरे डैडी के साथ पढ़ता था ये। ये इसको गुस्सा आता है निकालता ट्रम्पेट। अच्छा गुरु, अभी खबरों में आ रहा था आपकी सगाई हो गई है, ये क्या सीन है, मतलब अफवाह है क्या है? ये मेरे को खुद नहीं पता चला, मैंने तो पोस्ट डाली कि न्यू ईयर न्यू बिगनिंग, मुझे क्या पता हिंदुस्तान के न्यू बिगनिंग शादी होता है। मैंने तो अपने तरीके से लिखा, वो तो द एंड होता है। वो तो द एंड होता है, बट वो हमारे आई थिंक गाने की फर्स्ट लुक थी और सबको ये लगा कि मेरी शादी होने लगी है। और मेरा भी दिल टूटा जब मुझे कॉल आनी शुरू हुई। कंग्रेचुलेशन। अच्छा हाँ, मेरा भी तो कहीं था ना
तीर निशाने वाला बात हुई नहीं कि कॉल आ गई, चलो कंग्रेचुलेशन, मैं कहीं खराब हो गया काम, गलत लग गया तीर। अच्छा ये संजना का ना रॉक स्टार फिल्म में इनका नाम मैंडी था, अरे फिर फुकरे रिटर्न में इनका नाम कैटी, दिल बेचारा में इनका नाम किजी। Correct. तो ऐसे नाम जब होते हैं, ऐसे नाम रखने से हॉलीवुड वाला पेमेंट मिलता है, हैं? सर बात तो सही किया आपने, पर अब काव्या है तो अब मैं नॉर्मलाइज हो रही हूँ। काव्या शर्मा काफी अगली फिल्म में बहुत ही नॉर्मल नाम। ये कौन सी फिल्म में आ रहा है? ये ओम कर रही हूँ, एक फिल्म एक्शन थ्रिलर है आदित्य रॉय कपूर के साथ। अच्छा वाह। तो अभी शूट चल रहा है। मतलब आप उस फिल्म के लिए आएंगी फिर दोबारा? अब तो आपको तंग करते रहूंगी सर। अरे मैं तंग होना चाहता हूँ। पर ऐसे नाम ना ऐसी लड़कियों में सूट करते हैं, किजी कैटी। अब आपका नाम अर्चना पूरन सिंह हो तो उसी नाम के नीचे दब जाएंगी। So there is only one अर्चना पूरन सिंह, इसमें कोई शक नहीं है। Yes! आपके बारे में हमने अफवाह सुनी है संजना कि जब रॉकस्टार का ऑडिशन हुआ था तो 20,000 लड़कियों के ऑडिशन हुए, ये बात सही है कि नहीं? सर ये मैंने भी सुना है, पर एक्चुअली मुकेश छाबरा मेरे स्कूल आए थे। अच्छा। और मैं बचपन से डांसर हूँ तो उन्होंने स्टेज पे मुझे डांस करते हुए देखा था और अच्छा। बुलाया था, बोला कि एक थोड़ा सा ऑडिशन कर दे, और फिर दो दिन बाद मैं रॉकस्टार के सेट पे रणबीर के साथ शूट कर रही थी। तो एक्टिंग का सिलसिला बहुत बहुत ऑडली और मतलब प्लान नहीं था, तो आई फील वेरी लकी दैट इट हैपेंड एंड नाउ आई एम 24 एंड फुल टाइम। पर आप बहुत ही प्यारी हैं और बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, अभी तो मतलब शुरुआत हुई, आगे बहुत अच्छा काम करने वाली हैं। थैंक यू सर, हमारी ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं हमेशा आपके लिए। हाँ जी, बारी पर सीकट न गया, सीकट के ले आंदा मावा, बारी पर सीकट न गया, सीकट के ले आंदा मावा, असर कर आए संजना ते रंदावा, असर कर आए संजना ते रंदावा, संजना संजना ओहे सांगी सांगी गुरु गुरु रंदा वरदावा, गुरु गुरु रंदा वरदावा। सत श्री अकाल है लो जी, आप सच्ची गुरु निकले। किस चीज है? कभी नोरा कभी संजना, ये वो गुरु है जिनकी हर रोज शिष्य चेंज होती रहती है। लेकिन सच्ची बोलो गुरु जी, आप तो अक्षय कुमार पाजी के भी गुरु निकले हो। कैसे? उनको यहाँ आने के लिए पूरी फिल्म बनानी पड़ती है। हा? ये गाना किया इधर आ जाते हैं। लेकिन एक मिनट, आप दिलेर मेहंदी जी को नहीं लेके आए? उनको की लाएंगे, उनको क्यों? मेहंदी वाला हाथ लेके आ सकते हैं तो दिलेर मेहंदी को लेके आ सकते हैं। लेकिन एक बात कहूँ, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू जी। लेकिन वो मेरे बुआ के लड़के वाली बात नहीं है आपने, वो तो इतना हैंडसम है, इतना हैंडसम है कि मतलब एक एक घंटा लड़कियों का हाथ पकड़ लेता है। ज्योतिषी है? नहीं नहीं, मेहंदी लगाता है ना। हाँ हाँ सच्ची कह रही हूँ, दिलेर मेहंदी थी ना, वो पहले दिलेर ही थे, उसने मेहंदी लगाई फिर वो मेहंदी हुए। फिर वो मेहंदी लगाने मीका पाजी के घर भी गया था, लेकिन पता नहीं वो 6-7 लड़कियों के साथ सावन में आग लगा रहे थे, फिर उसने लगाई। फिर वो चला गया एक पार्टी में, उस पार्टी में ना अपने बादशाह पाजी थे, आप भी थे ना। क्या हो गया? उसने मेरी बात तो सुन लो, मेरे कजन ने जैसे मेहंदी वाली कीप निकाली ऐसे करके सारे भाग गए। क्यों? मुझे पता चला एक्चुअली मेहंदी की कीप तीखी होती है ना, तो डर के मारे भाग गए होंगे। भाभी हो गया तेरा? मेरा हो गया, आपका कब है अब? ऐसे कैसे हो गया? गुरुजी इतने दिनों बाद आते हैं, गुरुजी चाय ठंडा या फिर सीधा दक्षिणा लेंगे? बताओ। अरे ए तितली कहां हो यार? अरे 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 बाप रे, आप लोग ये तो कहाँ हो तुम यार? ये ढको ऊपर से खिचड़ी, पेट ढको, देखो कैसा ड्रम जैसा पति है मेरा। रणबीर कपूर ने तौलिया पहना था तो लड़कियों की चीखें निकल गई थी, इन्होंने तौलिया पहना तो तौलिया चीखें मार रहा था।
ठीक है यार, हमारी किस्मत में आलिया नहीं तो तौलिया ही सही। देखे आते कैसे माहौल बनाए। गुरु रंधावा जी, हाउ यू डूइंग? संजना जी, हाउ आर यू? नो माय एलोपोजी यार, कहाँ आते हैं हम अंग्रेजी में बातें शुरू कर दिए, हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में क्यों? हिंदी मीडियम में थी ना, तो इनको हिंदी जमेगा। अच्छा वो आपने अंग्रेजी मीडियम नहीं की, क्यों ना? हम तो बोल लेते, तकलीफ किसी और को होती। हम आपको ये ऑस्पिशियस मौका नहीं देना चाहते थे। अरे यार, बातों बातों में भूल ही गया, हमारा वो कुर्ता कहाँ है, धोती कहाँ है? गुस्सा ना करना, मैं बताती हूँ। मैंने आपकी धोती बेच के पतीला खरीद लिया। ए, तितली, अब पहनेंगे क्या हम पतीला? छी, नहीं नहीं, पतीला ना पहनना, दूध खराब हो जाएगा। आप कुकर पहन लेना। ठीक है, कुकर हम पहन लेंगे, लेकिन ये कुकर सीटी सिर्फ संजना जी के लिए ही मारेगा। तो हो सकता है इस कुकर और सीटी के बीच हमारी दाल भी गल जाए। दाल गला के तो देखो, मैंने आपका गला ना दबा दिया तो कहना। आए बड़े 11 बच्चों के बाप बन गए, 2 तबेलों के मालिक बन गए, लेकिन अच्छा पति नहीं बन पाए गुरुजी। अच्छा जी, हम तो व्यथित हो गए यार तुमसे। हैं? व्यथित। थैंक यू सो मच यार, जितना मर्जी गुस्सा कर लो, क्यूट वाली बातें कर ही लेते हैं। अरे थैंक यू क्या बोल रही हो, व्यथित पता, हम परेशान हो गए हैं। क्या, मैंने तो सिर्फ आपको दुखी किया है। ये व्यथित व्यथित, ये कौन सी कल मूवी ने किया आपको? ये बंदा मेरे को धोखा ही देता रहता है पाजी। अच्छा? इसने मेरे से धोखा किया, भारी मर्ची कट गया, कट गले आता धोखा, भारी मर्ची कट गया, कट गले आता वो, मेरे साथ हुआ इतना बड़ा धोखा, मेरे साथ हुआ इतना बड़ा धोखा, धोखा धोखा, चीटिंग चीटिंग। अरे ओ, रुक जाओ बस, देख रहे हैं हम, देख रहे हैं, हर बात पे बोली, हर बात पे बोली। कल तो एक सीधा सा सवाल हमने पूछा था कि रात को खाने में क्या बनाए, कहते हैं बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदे बाल, बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदे बाल, आज खाने में बनी है दाल, दाल दाल, धोखा धोखा, ए कुछ क्या हो रही हो? बेस्ट पार्ट सुने आप, दाल उस रात बनी ही नहीं। अच्छा, लेकिन बोली जरूर बनी, रात को सरदर्द की गोली और इसकी बोली खा के सोए हैं हम। देखो, फिर भी भूखा नहीं मैंने सुलवाया इनको, हाँ? भूखा सुलाया कभी मैंने आपको? यार बच्चों के बाप बन गए हो, तबेलों के मालिक बन गए हो, अच्छे पति कब बनोगे? हम अच्छे पति नहीं है? नहीं, दिन में 4 टाइम का खाना हम इनके साथ खाते हैं, दिन में 5 बार जो उल्लू भी करते हैं, और क्या करें, बुर्ज खलीफा पे चढ़ के लिखवा दें तुम्हारा पति अच्छा है। तंग आ गए हम बादशाह जी। बादशाह जी नहीं, रंधावा जी। हमें पता है वो रंधावा जी, हम अगले एपिसोड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये एपिसोड देख के बादशाह जी तुरंत अपना एक गाना निकालेंगे और फिर दौड़ते हुए यहाँ पे आएंगे, और फिर वो वाला एपिसोड देख के मीका जी के सावन में लगेगी आग, और फिर वो अपना एक नया गाना निकालेंगे और तुरंत 27 मॉडलों के साथ यहाँ आएंगे। बच्चा जी वो गाना निकाले ना निकाले, ज्यादा बकवास की ना, तो मुक्के मार मार के पेट के नान निकाल देने मैंने आपको। तुम बस बेहुदा बातें करो हमारे साथ, तुम अंदर जाओ यार। देखो अंदर जाओ, अंदर ही लेके जाते रहते, कभी बाहर भी लेके जाया करो। तो कश्मीर राजस्थान के तुम्हारे कबर्ड के अंदर है, गए नहीं थे हम लोग वहाँ? हाँ गए थे, मुझे लेके गए थे पाजी, उन्होंने मुझे कमरे से बाहर ही नहीं जाने दिया। क्यों? मैंने कहा राजस्थान आया दिखा दो, कहते रेत उड़ रही है। फिर हम कश्मीर गए, मैंने कहा बाहर दिखा दो, कहते बर्फ पड़ रही है। मेघालय गए, कहते यहाँ तो बारिश हो रही है। ऐसे करते करते 11 बच्चे हो गए, लेकिन मैं आज तक इस बंदे के साथ हनीमून पे नहीं गई। सुन रहे हैं आप, वही हमारा हनीमून था। वो हनीमून था जी, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? ये बंदा तो मेरे साथ पहले दिन से झूठ बोलता आ रहा है। शादी से पहले मुझे कहता था हम दोनों के ना 37 से 37 गुण मिलते हैं, बाद में पता चला हमारा तो ब्लड ग्रुप भी नहीं मिलता। अरे ब्लड ग्रुप और गुड़ अलग होते हैं। अच्छा अब तो क्या, तो चीनी और गुड़ भी अलग होते हैं? अरे हाँ होते हैं, चीनी मत खाया करो, गुड़ खाया करो, गुड़ से खून साफ होता है। साफ होता है? झूठे कही के, उस दिन मेरी उंगली कट की, दुपट्टे पे खून लग गया, मैंने गुड़ से साफ किया, सारा दुपट्टा ही खराब हो गया। फिर मैंने साबुन से दुपट्टा धोया, साबुन से साफ हुआ। तुम ना साबुन से अपना दिमाग भी धो लो थोड़ा। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने आपसे शादी की। इतनी तफलीक है, इतनी तफलीक है तो क्यों की शादी? क्यों की भैया जी, मैंने शादी नहीं की थी,
हम तो शादी में खाना खाने गए थे, वहाँ लड़की मुकर गई, कहती मैंने नहीं शादी करनी। फिर दुल्हन के बाप ने मेरे बाप से कहा, कहते पाजी मंडप का 250 रुपया भरा हुआ है, अगर आपने अपनी बेटी की शादी करनी है तो करा लो। मैं पाजी सुंदर चुपचाप बैठ गई, मेरी इस संडे के साथ शादी करवा दी। हमारी शादी किसी और के साथ होने वाली थी। हाँ जी, अगर मैं भी उस दिन ना दिल ठोक के मुंह पे मना कर देती ना कि मैंने शादी नहीं करनी, तो आज मैं मिसेस रंधावा होती, ऐसा स्लिम ट्रिम बंदा मेरा पति होता और सारे गानों में मैं ही नाचती होती। और अंदर चलो। अरे बड़े, अरे चल रहे हैं यार, इतना क्या पीछे पड़ी रहती हो? पीछे कब, मैं ज्यादा बकवास की, मैंने आपका तोलिया ऐसे की। अरे एक मिनट, अरे चलते हैं, थैंक यू यार, ये कुछ तरीका लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अरे रुको एक बार गुरु और संजना के लिए जोरदार तालियां। आइए गुरु। थैंक यू भाई। आइए संजना। गुरु संजना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।